अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच, सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदना। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं क्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं श्रृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। ये तान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ, निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा
और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्याग फलम् लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना जाता है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नहि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत् त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्या न तु सन्यासिनां क्वचित्। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के
ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम् तथा कर्ता कारणम् च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु दैव है। शरीर वांग मनोभिरियत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थ में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञानम् ज्ञेयम् परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम् कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यह तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता करण तथा क्रिया यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम् कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोचते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं
विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नाना भावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम् विद्धिराजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्मा साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। अनुबंधम क्षयम् हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगोनहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो
अहिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है वह तामस कहा जाता है। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार के भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेत्ति बुद्धिस्सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सापार्थतामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा
मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सापार्थ राजसी। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मक विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में
अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परन्तप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमोदमस्तपशौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्मपालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम् तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम् कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सबके सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति
अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्य कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तो संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरः नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। फिर
वह सच्चिदानंद गण परब्रह्म में एकी भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम् पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवा। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य न योच्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यते। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर
अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरम् मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योभ्यसूयते। तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः।
जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ पूजित होऊंगा। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को
अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्या रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महा आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। विश्व की पहली और अनन्य भगवद गीता विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है और हम आपका समर्थन चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट geetayuniversity.in पर पधारें या हमें 9128444555 पर एक मिस्ड कॉल दें तथा कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम विश्व स्तरीय गीता विश्वविद्यालय का निर्माण कर सकें और हम एक बेहतर दुनिया बना सकें। जय श्री कृष्णा।